शैतरम बसमल महमद महमद ममिन कराम कुछ अमलियात अहल बैतम के दरवाज़े से हम लेते हैं और ममिनिन तक पहुँचाते हैं आज भी एक ऐसा अमल जिक्र करेंगे जनाब शेख बिहाई रत बहुत ही बाअमल शख्सियत और इनके अमाल पूरी त में मशहूर हैं और अहले बैत के चाहने वाले और बहुत लोग जो है ना वो फैज़ियाब होते हैं इनके अमाल से शेख बेहाई बहुत ही मुस्ंद शख्सियत है उन्होंने एक अमल दिया है वो ये है कि जो बंदा इम्तिहान दे रहा है चाहे बच्चा है बड़ा है कोई भी जिसने पेपर देना है जिसने तो ताकि हमारी आप जिसने इम्तिहान देना है उसके लिए एक ऐसा मुजरब तरीन अमल है अगर वो करेगा उसकी तैयारी पहली बात तो यह कि तैयारी है यानी तैयारी ही नहीं है और कहीं इंसान के मैं पास हो जाऊंगा तो ये नामुमकिन सी बात होती है तैयारी की है थोड़ी सी कमी बेची है या पेपर देते वक्त वो चीज़ जहन से निकल जाती है इम्तिहान का बर्डन हो जाता है प्रेशर आ जाता है उस सूरत में ये अमल जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये अमल करने से एक तो वो चीज़ जो पड़ी हुई है वो जहन में आ जाएगी और पेपर अच्छा होगा अमल ये है कि ये जो दुआ है ये पेन से या किसी चीज़ से नहीं लिखनी उंगली से लिखनी है यानी स्याही वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी ये मैंने इसलिए लिखी हुई है दि, दिखाने के लिए आपको बताने के लिए लेकिन आपने ये याद कर लेनी है हिफ्ज कर लेनी है छोटी सी दुआ है इसको हिफ्ज़ कर लेना है जो ही पेपर देने जाए पेपर जो ही सामने आए उस पेपर पे ऐसे उंगली से ये दुआ लिख देनी है कोई स्याही कोई कलम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी उंगली से ये दुआ लिखेंगे उसके बाद आप पेपर करेंगे सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और उसमें इनशा कामयाबी होगी वो ये है अल्ला या मन वद साबरना या मन वद साबरना अल्ला या मन व साबरीना الْمَخْرَجُ مِمَّا يَكْرَهُونَ وَالرِّزْقُ الْمَخْرَجُ مِمَّا يَكْرَهُونَ وَالرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا उंगली से लिखनी है फिर मैं तकरार कर रहा हूँ उंगली से ऐसे यानी ऐसे जिस तरह ये पेपर है इस तरह लिखनी है अल्ला बग़ैर सियाही के या मन वादा इसी तरह ये लिख के ये दुआ इनशा ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि जो एराब हैं उनके साथ ये दुआ आप याद कर लें तल्फ बता दिए हैं एर के साथ दुआ भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में ये याद कर लें याद होनी चाहिए ताकि वहाँ ये अमल करने में आसानी रहे मुलतमसूँ ममिन से कि वो दुआ किया करें मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए वालदेन के लिए अलहमद ला रबालमी